सोलन की रेडी फेरी मार्केट भाजपा नगर परिषद के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी अभी तक मार्केट अधूरी है और जिनके लिए ये मार्केट बनाई गई थी वे उसी मार्केट के बाहर बैठकर सब्जियां और फल बेच रहे हैं। भाजपा की नगर परिषद ने इन पात्र व्यक्तियों को भरोसा जताया था कि उन्हें दुकानें भी दे दी जाएंगी, लेकिन वे समय पर दुकानें नहीं दे पाई और इस मार्केट का कार्य काफी समय से बंद पड़ा है। सोलन में अब नगर निगम बन चुकी है और नगर निगम की मेयर पूनम ग्रोवर, डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा और अन्य पार्षदों ने मिलकर इस मार्केट को जल्द पूरा कराने का बीड़ा उठा लिया है। लगातार वेंडर मार्केट के औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं, जो कमियां हैं उसे दूर भी किया जा रहा है। नगर निगम के पदाधिकारियों द्वारा ये आशा जताई गई कि जल्द ही दुकानें पात्र नागरिकों को सौंप दी जाएगी। मेयर पूनम ग्रोवर ने बताया कि वेंडर मार्केट पिछले नगर परिषद द्वारा बनाई गई थी, लेकिन ये बेहद अव्यवस्थित थी। रोशनी का प्रबंध नहीं था और ना ही हवा पानी का कोई जरिया था, लेकिन अब नगर निगम द्वारा इस मार्केट में तीन तरफ से आने का प्रबंध किया गया है। रोशनी का प्रबंध के लिए खिड़कियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि करीबन 90% काम पूरा करवा दिया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही बचे हुए काम को भी पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य इस मार्केट में अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। मार्केट को पूरी तरह से तैयार कर पात्र नागरिकों को दुकानें भी सौंप दी जाएंगी। जी, जैसे कि ये वेंडर मार्केट काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी थी, पिछले हाउस की है ये, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था और जो दुकानें थी वो भी प्रॉपर ढंग से नहीं बनी हुई थी, जिसमें कि हवा पानी का कोई स्कोप नहीं था, वो चारों तरफ से बंद थी, एक तरफ एंट्रेंस थी। तो हमने सोचा कि जैसे कि अब डिले तो वो पिछले हाउस का हो रहा है, तो हमने कोशिश की है, ये दो महीनों में इतनी प्रोग्रेस हुई है, तकरीबन जहां वहां 90% काम हो चुका है, सिर्फ 10% हमारा काम पेंडिंग है, कि हमने चारों तरफ खिड़कियों का प्रावधान किया है, एंट्रेंस भी हमने दोनों तरफ रखी हुई है, तीनों तरफ रख दिया है। मेन एंट्रेंस तो है ही थी उसमें, और साइडों पे भी हमने उसको खोल दिया है और वहां शटर लगाए जाएंगे और रोशनी भी ठीक रहेगी, हवा पानी भी वहां पे ठीक रहेगा और पूरी सुविधा मिलेगी कि जैसे कल को कोई मिसहैपनिंग होती है, कुछ होती है, तो जैसे एक एंट्रेंस थी तो काफ़ी दिक्कत हो जानी थी, तो इसलिए हमने चारों तरफ उसकी एंट्रेंस रखी है। और साथ में हमने टॉयलेट का भी बोला है कि टॉयलेट वहाँ लेडीज़ और जेंट्स टॉयलेट बनाए जाएँ और उसका भी काम अतिशीघ्र कम्प्लीट किया जाए। तो जैसे कि वो हम देखने गए थे कि प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है, तो आज हमने वो निरीक्षण किया है और इनको आदेश दिए कि अतिशीघ्र इसको कम्प्लीट किया जाए। तकरीबन लगभग सिर्फ 2 या 3 शटर रह गए लगने के लिए, लाइट का और बाकी अंदर की कंप्लीशन तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और थोड़ा टॉयलेट का काम बचा है। हम नहीं चाहते कि आधी अधूरी कोई भी काम हो, आधा अधूरा सौंपा जाए, हम चाहते हैं चाहे 10 दिन लेट हो जाए, काम उनको प्रॉपर मिले कि उनको कोई दिक्कत ना हो। नहीं चाहते किसी की रोजी रोटी को हम छीने, तो हम सबको सुविधा देंगे, जो हमारे पास लाइसेंस धारक हैं वो उनको हम प्रायोरिटी पे जो है वेंडर मार्केट में अलॉट करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास लोकल लोकेलिटी के लोग हैं, जो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बाहर से आते हैं, सीजन लगाते हैं, चले जाते हैं, तो एक सर्वे करवाया जाएगा, उसके दौरान जो यहाँ के 40-45 साल से पुराने रहते हैं, जैसे सलोगड़े से थे, उन वो भी हमसे मिले थे आके, उनको भी हमने यही कहा है कि आप लोग एक परिवार का एक ही सदस्य बैठे हैं, तो वो सर्वे होगा प्रॉपर, उनके आधार कार्ड राशन कार्ड चेक किए जाएंगे कि फैमिली का एक ही बंदा बैठ के वहाँ रेडी लगाए, इस वो अपनी सब्जी लगाएं। वो हमने 17 के 17 वार्डों में हमारा मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था, तो चर्चा प्रांत ये हुआ था कि जहाँ हमारी निगम की प्रॉपर्टी होगी वहाँ 3-3, 4-4 करके इनको बैठाया जाएगा। हम नहीं चाहते किसी का रोजगार हम छीने, हम सबको रोजगार देंगे, तो इसलिए आज हमने निरीक्षण किया था।